नमस्कार, आप देख रहे हैं जियो वी न्यूज़। तो दोस्तों, वक्त के दिन भर की सभी बड़ी खबरों को जानने का, तो उससे पहले अगर आपने अभी तक जियो वी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाकर जियो वी न्यूज़ को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज दिन भर की सभी बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को रूस के व्लादिवोस्तोक में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस फोरम में आमंत्रित करने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का आभार जताया। फोरम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जिस तरह सुबह का उजाला व्लादिवोस्तोक की धरती से होकर पूरी दुनिया में फैलता है, उसी तरह उम्मीद है कि यहां से हो रहा मंथन भी पूरी मानव जाति के कल्याण के प्रयासों को नई ऊर्जा देगा। फोरम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आगे कहा कि राष्ट्रपति पुतिन ने मुझे यह निमंत्रण आम चुनाव के पहले दिया था। 130 करोड़ भारतीयों ने राष्ट्रपति पुतिन के निमंत्रण और मुझ पर भरोसा जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन का फार ईस्ट के लिए लगाव और उनका विजन इस क्षेत्र के लिए ही नहीं, भारत जैसे पार्टनर्स के लिए भी अभूतपूर्व अवसर लेकर के आया है। उन्होंने कहा, कल राष्ट्रपति पुतिन के साथ मैंने स्ट्रीट ऑफ द फार ईस्ट एग्जीबिशन देखी। यहाँ की विविधता, लोगों की प्रतिभा और टेक्नोलॉजी के विकास ने मुझे बहुत प्रभावित किया। इनमें प्रगति और सहयोग की अपार संभावनाएं मैंने महसूस की हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का महामुकाबला शनिवार को भिड़ेंगी दोनों टीमें। जी हां, श्रीलंका में आज से अंडर 19 यूथ एशिया कप का आगाज हो रहा है, जिसमें पहले दिन भारत की भिड़ंत कुवैत से होनी है। वहीं पाकिस्तान का मुकाबला पड़ोसी अफगानिस्तान से हो रहा है। एशिया कप की सबसे सफल टीम भारत को इस बार भी एशिया कप का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। साल 1989 में शुरू हुए एशिया कप में रिकॉर्ड 6 बार भारतीय टीम अब तक चैंपियन बन चुकी है। हालांकि 2012 में भारत को ये कप पाकिस्तान के साथ साझा करना पड़ा था। इस टूर्नामेंट का सबसे रोमांचक मुकाबला 7 सितंबर यानी कि शनिवार को खेला जाएगा, जिसमें चीर प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान के बीच भिड़ंत होने वाली है। इस टूर्नामेंट में भारतीय अंडर 19 टीम ध्रुव चंद जुरेल की कप्तानी में उतरेगी। गौरतलब है कि अंडर 19 यूथ एशिया कप में कुल 8 टीमें भाग ले रही हैं। इसमें मेजबान श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कुवैत, बांग्लादेश, नेपाल और यूएई शामिल हैं। इन टीमों को 2 ग्रुप्स ए और बी में बांटा जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि भारत और पाकिस्तान को ग्रुप ए में रखा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा भारत अपनी सुरक्षा के लिए ताकत का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में रक्षा वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भारत खुद की सुरक्षा के लिए ताकत का इस्तेमाल करने से कभी पीछे नहीं हटेगा। राजनाथ सिंह ने दोनों देशों की यात्रा के अंतिम चरण के तहत 3 दिन के आधिकारिक दौरे पर वे दक्षिण कोरिया गए हैं। इससे पहले उन्होंने जापान का दौरा भी किया था। वह गुरुवार को सियोल रक्षा वार्ता यानी कि सियोल डिफेंस डायलॉग के विशेष सत्र को संबोधित कर रहे थे, जिसके कुछ अंश उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर भी साझा किए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अपने इतिहास में कभी भी आक्रमण नहीं कर रहा और ना ही, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत खुद की सुरक्षा के लिए ताकत का इस्तेमाल करने से पीछे हटेगा। अगस्त में राजनाथ सिंह ने भारत की परमाणु नीति और इसका पहले प्रयोग नहीं करने की नीति पर चर्चा को हवा दी थी। पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर पोखरण के दौरे के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा था कि भारत अपने पहले परमाणु का इस्तेमाल नहीं करेगा की नीति पर टिका हुआ है, लेकिन भविष्य में क्या होगा वह परिस्थितियों पर ही निर्भर करेगा। एयरसेल मैक्सिस केस में पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम को मिली अग्रिम जमानत याचिका, विदेश यात्रा के पहले लेनी होगी मंजूरी। जी हां, एयरसेल मैक्सिस मामले में जुड़े मामलों में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम को राहत मिली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी और सीबीआई केसों में स्पेशल कोर्ट ने चिदंबरम और उनके सांसद पुत्र कार्ति चिदंबरम की अंतरिम जमानत को मंजूरी दे दी है। दोनों को 1-1 लाख रुपए की निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। इसके अलावा विदेश जाने से पहले दोनों को कोर्ट से मंजूरी लेनी होगी। इस मामले का INX मीडिया केस से कोई लेना देना नहीं है। कॉमेडियन कीकू शारदा हाल ही में विदेश से छुट्टियां मनाकर वापस लौटे हैं। ऐसे में उनकी ये फॉरेन ट्रिप काफ़ी सुर्खियों में है, जिसका कारण है 1 कप कॉफ़ी और 1 कप चाय का हैरान कर देने वाला बिल। कीकू शारदा को यहां के एक होटल में 1 चाय और 1 कॉफ़ी का भारी भरकम बिल चुकाना पड़ा है।
इस बात की जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया के जरिए सभी को दी है। कीकू ने फिलहाल इसे लेकर कोई भी शिकायत तो दर्ज नहीं कराई है, लेकिन उन्होंने इस हैरान कर देने वाले बिल की तस्वीर अपने फैंस के साथ शेयर की है। कीकू के इस बिल में साफ दिख रहा है कि उन्होंने एक कैपेचिनो कॉफ़ी और एक चाय ऑर्डर की। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कॉफ़ी के लिए उनसे 35,000 रुपये और चाय के लिए 30,000 रुपये लिए गए। वहीं इस पर 13,650 रुपये का सर्विस टैक्स भी चार्ज किया गया है।